गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ प्रतीक रावल एंड माई टॉपिक इज द फैक्टर अफेक्टिंग फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. द फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन इज जनरली टू टाइप ऑफ फैक्टर, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर. इन इंटरनल फैक्टर देर इज अ जीनेटिक फैक्टर. द इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड्स एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टर आर रिलेटेड द जीनेटिक मेकअप फॉर द प्लांट, लाइक ए हाई यील्डिंग वेराइटी, अर्ली मैच्योरिटी, रेजिस्टेंस टू लॉजिंग, ड्रॉट, फ्लड एंड सलिनिटी टॉलरेंस, टॉलरेंस टू इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज, chemical composition of grains like oil content and protein content, and the quality of straw like sweetness and juiciness. The above characters are less influenced by the environment factor since they are governed by the genetic makeup of crops. The high yielding variety use the early maturity, jaise har crop ki season hoti hai 2 to 3 months, ki usse zyada ka jal se jal crop mature ho jaye aisi variety hame use karni chahiye. Resistance to lodging, lodging means the जो भी क्रॉप हो हाई विंड्स या बारिश के वजह से वो बैंड हो जाता है, जो ऐसी वैरायटी यूज़ करनी चाहिए जो रेजिस्टेंस हो लॉजिंग के लॉजिंग में. और ड्रॉट, फ्लड एंड सलिनिटी, ड्रॉट मीन्स दुकार, ड्रो फ्लड एंड सलिनिटी टॉलरेंस, द टॉलरेंस टू इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्रेन लाइक ए ऑयल कंटेंट एंड प्रोटीन कंटेंट. सेकेंड वॉज द एक्सटर्नल फैक्टर. इन एक्सटर्नल फैक्टर देर इज अ क्लाइमेटिक, एडेपिक, बायोटिक, फिजियोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. इन क्लाइमेटिक फैक्टर देर इज अ 6 फैक्टर्स, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन, विंड वेलोसिटी एंड एटमोस्फेरिक गैसेस. द फर्स्ट इज अ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मीन द इंक्लूड द ऑल वाटर विच फॉल्स फ्रॉम द एटमोस्फियर्स सच एज अ रेनफॉल, स्नो, फॉग एंड ड्यू. द रेनफॉल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन ऑफ द प्लेस. टोटल प्रेसिपिटेशन इन अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटली अफेक्ट द चॉइस ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीसीज इन प्लांट. जो कल्टिवेशन स्पीसीज होती है, जो वेराइटी होती है, जो क्रॉप होता है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, उसके हिसाब से हमें क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए. इन हैवी एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल एरियाज क्रॉप लाइक राइस इन प्लेन्स एंड टी एंड कॉफी रबर इन वेस्टर्न घाट्स फॉर ग्रोथ. हाई जहाँ पे रेन ज़्यादा होता है, हैवी रेन होता है, वहाँ पे राइस, क्योंकि राइस की खेत में हर पानी ज़्यादा चाहिए, वैसे टी, कॉफ़ी और रबर इन वेस्टर्न घाट्स आर ग्रोन. इन द लो एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल इन कॉमन इन ड्राई लैंड एरियाज फार्मिंग वेयर ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स लाइक पर मिलेट, सोरगम एंड माइनर मिलेट आर ग्रोन. एंड इन द फूड क्रॉप्स लाइक ओनला, कस्टर्ड एप्पल आर ग्रोन. इन डेजर्ट एरिया ग्रासेज एंड सर्विस आर कॉमनली वेयर हॉट डेजर्ट क्लाइमेटिक एग्जिस्ट. And the third, the rainfall has major influence on yield of the crops. Yields are not always the directly proportional to the amount of the precipitation, as exceeds the above optimum reduce the yield. The distribution of rainfall is more important than the total rainfall to have the longer growing period, especially in drylands area. Second was the temperature. Most of the agriculture crops, the maximum growth of the most agriculture plants is between the 15 to 40 degrees centigrade. The temperature of the place is largely determined by its distance from the latitude and altitude. It influences the distribution of crops, plants and vegetation. The germination, growth and development development of crops are highly influenced on the temperature. The physical and chemical process within the plant are governed by the air and the temperature. Physical and chemical process like transpiration, evaporation, photosynthesis are depend on the temperature and air circulation. The diffusion rates of gases and liquids changing with the temperature. The minimum, maximum and optimum temperature of individual plant are called as a cardinal temperature. The third one is the atmospheric humidity. Water is present in the atmosphere in form of the invisible water vapor, normally known as a humidity. Relative humidity ratio between the amount of the moisture present in the air and the saturation capacity of the air at the particular temperature. If the relative humidity is 100, it means that no entire space are filled with the water and there is no air. So the evaporation and plant transpiration are not occur in this area. What is the meaning of evaporation? Evaporation means the water is transferred in the air, and the transpiration means the water are removed from the plant, from the stomata. Is called a transpiration. The relative humidity influence the water requirement of the crop, and relative humidity of 40 to 60% is suitable for the most of the crop plants.
देयर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाईली देयर द चांस ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द पेस्ट एंड डिजीज। जब जब जैसे कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वैसे पेस्ट और डिजीज होने का आवश्यकता ज़्यादा है। एंड फोर्थ वन है सोलर रेडिएशन। द फ्रॉम द जर्मिनेशन टू हार्वेस्ट एंड इवन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी द इफेक्टेड बाय द सोलर रेडिएशन। बायोमास प्रोडक्शन बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रिक्वायर्ड द लाइट। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो उसके लिए लाइट रिक्वायरमेंट है। ऑल फिजिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन द सॉइल प्लांट एंड एनवायरमेंट आर डिपेंडिंग ऑन द लाइट। एंड द सोलर रेडिएशन कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप द रीजियन। अलग अलग क्रॉप की अलग अलग लाइट रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि जो हिमालय रेंजेस है वहाँ पर लाइट कम चाहिए। जैसे जैसे मिडल गुजरात मिडल इंडिया है वहाँ पे लाइट की जो क्रॉप है उन्हें लाइट की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। विजिबल रेडिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट द फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट। द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज 0.42-0.7 माइक्रोब्स इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अल्टीमेटली बायोमास। द फोटो रेडिएशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू डे लेंथ शॉर्ट डे प्लांट वो उसको लेस देन 12 आवर्स लाइक राइस सनफ्लावर एंड कॉटन। लॉन्ग डे प्लांट इज ग्रेटर देन द 12 आवर्स लाइक ए ऑट कैरट एंड कैबेज एंड डी न्यूट्रल प्लांट। एंड देर इज नो और लेस इन्फ्लुएंस ऑन डे लेंथ इज टोमेटो एंड मेज। फोटो वॉट इज द मीनिंग ऑफ द फोटो फोटोट्रॉपिक द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट डायरेक्शन इन एग्जाम्पल लाइक ए इन सनफ्लावर। द फोटो सेंसिटिव द सीजन बाउंड द वेराइटी डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड। फिफ्थ वन है विंड वेलोसिटी। द बेसिक फंक्शन ऑफ विंड इज कैरी आउट द मॉइस्चर एंड द हीट। द मूविंग ऑफ द विंड नॉट ओनली सप्लाई द मॉइस्चर एंड इट ऑल्सो सप्लाई द फ्रेश CO2 फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन द प्लांट। द विंड मूवमेंट फॉर द 4-6 किलोमीटर पर आवर इज वेरी एसेंशियल फॉर द क्रॉप्स। वैन द वाइंड स्पीड इज इनॉर्मस देर इज मैकेनिकल डैमेज ऑफ क्रॉप्स दैट रिमूव द लीव्स एंड ट्विग्स दैट डैमेज द क्रॉप लाइक ए बनाना एंड शुगर कैन। विंड डिस्पर्सल ऑफ पोलन एंड सीड इज नेचुरली एंड नेसेसरी फॉर द सर्टेन क्रॉप। कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जैसे पोलिनेशन के लिए विंड ज़्यादा आवश्यकता है। पोलिनेशन एक प्लांट से दूसरे प्लांट का पोलन का ट्रांसफर करने के लिए विंड है वाटर है वो सब जरूरी है। द हेल्प इन द क्लीनिंग द प्रोड्यूस टू फार्मर्स इंक्रीज द इवापोरेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर की वजह से होता है। स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीज एक खेत से दूसरे खेत एक जगह से दूसरे खेत पेस्ट और डिजीज और इंसेक्ट का स्प्रेड विंड से होता है जो जरूरी नहीं है। एटमोस्फेरिक गैसेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ इन एटमोस्फेयर जनरली CO2 इज 0.03%, O2 इज ऑक्सीजन 20.95%, नाइट्रोजन 78.09% एंड आर्गन 0.93% एंड अदर गैसेज 0.02%। CO2 इज इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट एंड द CO2 टेकन बाय प्लांट टू डिफ्यूजन प्रोसेस फ्रॉम द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। एंड द CO2 इज रिटर्न टू द एटमोसफियर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑल फार्म वेस्ट एंड बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस। O2 is important for the respiration of both plant and animals while it is released by plant during the photosynthesis. Nitrogen is one of the important major plant nutrient. Atmospheric nitrogen is fixed in the soil by the lightening rainfall and nitrogen fixing microbes in pulses crops and available to plant. Certain gases like SO2, CO, CO4, CH4 and HF released to the atmosphere are toxic to the plant. ऐसे कुछ क्रॉप माइक्रोब्स होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया एजोस्पिलर बैक्टीरिया वो सब एटमोसफेयर में से नाइट्रोजन सोइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं जो पल्सिस क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद है एडेपिक फैक्टर सोइल मॉइस्चर सोइल एयर सोइल टेम्परेचर सोइल मिनरल मैटर सोइल ऑर्गेनिक मैटर सोइल ऑर्गेनिज्म एंड सोइल रिएक्शन। द फर्स्ट इज द सोइल मॉइस्चर। Water is a principal constituent of growing plant which it extract from the soil. Water is essential for the photosynthesis process. In the chemical and physical process, the water is very essential. The availability of moisture will be more in clay soil and then sandy soil. Soil water have the chemical and biological process activities of soil including the mineralization. It influences the soil environment. Example, it moderates the soil temperature from the extreme. The nutrient availability and mobility increase with the increase of the soil moisture content.
increase in the soil moisture, it increase the soil fertility and nutrient availability and in the soil. Second one is soil air. Aeration of the soil is absolutely essential for the absorption of the water by the root. Soil germination is inhibited the absence of the oxygen. The oxygen is required for the respiration of root and the microbes, microorganisms. The soil is essential for the nutrient availability. The soil, the breaking down the insoluble mineral to the soil. Soil is for the acid minerals होते हैं insoluble type में जो जब जो कि वो plant को plant absorb नहीं कर सकता, इसीलिए वो सब soluble salt में transfer करते हैं. उसके बाद है soil temperature. It affects the physical and chemical process going on the soils. The it influence the rate of absorption of water and solute. It affects the germination of seeds and growth rate the underground portion of the crops like a tapioca, potato, sweet potato, it is the soil temperature controls the microbe activity and process that involve the nutrient availability. Cold soils are not connected to the rapid growth of most of the agriculture crops. Agriculture crops है जो उन सब में अलग अलग crop के लिए अलग अलग soil temperature होता है. वैसे soil mineral matter the mineral content of the soil is derived from the weathering of the rocks and minerals as a particles of the different size. They are source of the plant nutrient like calcium, magnesium, sulfur, manganese, iron, etc. The soil organic matter, it supply all the major, minor and micronutrient to the crops. It improve the texture of the soil and increase the water holding capacity of the soil and the source of the food for the most of the microorganism. The soil organism, the raw organic matter is in the soil is decomposed by the different microbes organism which in turn release the plant nutrient, and the atmospheric nitrogen picks by the microbes in the soil and it available to the crop plant through the symbiotic and non-symbiotic association. The soil reaction, soil in soil reaction generally three type of the soil: acidic, neutral, neutral and the saline or alkalic, also known as a basic soil. In acidic soil less than 7% neutral 7 and the basic soil is greater than 7. The soil with the low pH is injurious to plant due to the high toxicity in iron and aluminum. Low pH also interferes the availability of other plant nutrient, and the soil pH affect the crop growth. And the neutral soil with a pH 7 are best for the growth of the most of the fruit crops. Most of the agriculture crops as well as the horticulture crops, there are different manner of pH. Alag har ek crop ke liye pH alag alag hoti hai soil ki. Waise biotic factor, beneficial and harmful effect caused by the other biological organism on the crop plants. The first is a crop and animal. The first is a plant. The competitive and the complementary nature among the field crops when the grown together. And the competitive between the plants occurs when they demand for the nutrient, moisture and sunlight, particularly when they are in short supply and when plants are closely spaced. When different crops of cereals and legumes are grouped together, nutrient benefit result in higher yield. And the competitive between the wild and crop plant are parasite like a striga parasite feed on the sugar cane crop. ऐसे हर एक क्रॉप दो क्रॉप मिक्स क्रॉपिंग जब करते हैं तो जो मेन क्रॉप होता है जैसे कि मैंगो और बनाना का क्रॉप हम लगाते हैं, तो जैसे कि मैंगो मेन क्रॉप है तो मैंगो को जो हम न्यूट्रिएंट जो फर्टिलाइजर जो इरिगेशन वाटर हम देते हैं वो बनाना वो भी सप्लाई करता है. इससे क्या होता है कि उसके बीच में कॉम्पिटिशन हो जाती है. कॉम्पिटिशन के दौरान जो न्यूट्रिएंट है जो FIM है जो न्यूट्रिएंट है जो वाटर है वो मैंगो को मैंगो क्रॉप होता है उन्हें नहीं मिलता, उसके वजह वो बनाना ले लेता है. इससे क्या होता है मैंगो का प्रोडक्शन कम हो जाता है. सेकंड वाज एनिमल्स सोइल फौना लाइक ए प्रोटोजुआ नेमेटोड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स हेल्प ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन वाइल यूजिंग द ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर लिविंग. इंसेक्ट एंड नेमेटोड्स कॉज द डैमेज टू क्रॉप यील्ड एंड कंसिडर एज अ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म. हनीबी एंड वास्प आर हेल्प टू अ पोलिनेशन एंड इंक्रीज द यील्ड एंड कंसिडर एज अ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म. हनीबी एंड वास्प आर यूज एज अ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म. द बरोइंग अर्थवर्म are facilitated to aeration in the soil and drainage of the soil, and injection the organic and mineral matter by the earthworm result in the constant mixing of this material in the soil. The large animal cause the damage of the crops plants by the grazing. And the fourth one is physiographic factor. Topography is a natural of the surface earth is a known as a topography. A topographic factor crop indirectly like a altitude
Altitude means the increase in the altitude causes a decrease in temperature and increase the precipitation and wind velocity in the hills and plain areas. जैसे कि हिमालयन प्लेन्स होते हैं वहाँ पे altitude में temperature कम होता है और temperature कम होता है और जो हवा की गति होती है वो ज़्यादा होती है. उसके बाद स्टेपनेस ऑफ द स्लोप इट रिजल्ट इन रन ऑफ रेन वाटर एंड लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच टॉप सोइल एंड द एक्सपोजर टू लाइट एंड द विंड. A mountain slope that exposes the low intensity of light and strong wind with strong dry wind may result in a poor crop yield. Last one is a socio-economic factor. The society inclination to farming and the member available for the cultivation, the appropriate choice of crop by human beings are to satisfy the food and fodder requirement of farm household and the breeding varieties by human innovation for the increase the yield and pest disease resistance. The economic condition of farmer greatly desire the input and resource the mobilizing ability like a marginal, small, medium and large farmers. The ऐसी breeding varieties जो कि pest and disease और insect resistance होती है और उसका yield ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जो drought tolerance होता है, ऐसी variety use करनी चाहिए. और हर एक फार्मर के इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से उनके ग्रुप पड़ेगा, जैसे कि मार्जिनल ग्रुप है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं. ओके, नेक्स्ट. थैंक यू.